दानिश यासिर आ रहा है। यासिर तो यहीं था मेरे चालान के मुताबिक। हाँ तो क्या हुआ, मैं तो यहीं हूँ, क्या कौन आ रहा है? यासिर हुसैन आ रहा है, पता नहीं है। तो पूरा नाम लिया कर रहे भाभी, यासिर हुसैन आ रहा है। अरे आप इतना कौन लग कर? आज का शो बहुत मजे का होने वाला है कि आज जो है मेरा हमनाम, मेरा दोस्त यासिर हुसैन आ रहा है। और क्योंकि हम आपको मौका दे रहे हैं बोलने का कि अब आप शायद अब सीख जाओ। मुझे लग रहा है कि आज इतने प्रोग्राम्स के बाद भी सीख जाओ तो मुझे लग रहा है। सीख रहा क्या है, कौन सी गाड़ी खोलनी है भाभी? सही कर रहे हैं भाई, सही कर रहे हैं हम लोग। मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं, बोलते रहो। हां यासिर हुसैन जो है बहुत 5 मिनट तक बोलना है यासिर हुसैन की तारीफ में। चलो क्या जानते हो आप जी? अच्छा इंट्रो दो यासिर हुसैन का। भाई देखिए, यासिर हुसैन का मैं इसलिए भी फैन हूं कि उसका नाम यासिर है, और मैं यासिर हुसैन का इसलिए भी फैन हूं कि यासिर की जो थिएटर एक्टिंग है वो कमाल थिएटर एक्टिंग, लाजवाब एक्टिंग है। यासिर ने जब टीवी पे कॉमेडी की तो मैं उसका फैन हो गया। इस बार हम यासिर से पूछेंगे कि तुमने शादी कब की, कैसे की, क्यों की, कहां मिले, किस तरह मिले, ये सवाल हम इस बार यासिर से करेंगे। ये सवाल कभी हुए नहीं। पूछूंगा क्या? उसी से पूछूंगा ना। हां के तो आपको क्यों बताऊं मैं यासिर से पूछूंगा भाई। हां यासिर से पूछेंगे। बेल बज गई। देखो ये कौन आया। दानिश ये आप कैसे भूल सकते हैं? कौन है? मेरा हम नाम कहाँ है? अरे यासिर भाई इतना छुपके क्यों खड़े हैं? आपसे इंस्पायर्ड हमने लक्स की, जब से आपने लक्स में बैग उठाया ना, ये हर वक्त बैग उठाए फिरते हैं। देखिए वो बैग हुसैन जहर ने बनाया था। हाँ ये पता नहीं किस जहर ने बनाया, ये जैनब बाजी से लिया हमने। मंजन कौन करता है आज के दौर में? क्या बात कर रहे हैं? चिप्स, पापड़, पापड़, गाठिया, अचार, पापड़। तो कुछ बिके? कुछ बिके नहीं? बिके सब, बिके। वहाँ लोग बोर हो रहे थे क्योंकि जीतने वाला एक होता है, हारने वाला चार होते हैं, और जो हारता है वो कहता है डिप्रेशन में खाते हैं। सही है। जो हारता है वो कहता है यार ये अवार्ड सही नहीं हो रहे। हाँ तो मैंने कहा ये इसलिए वहाँ पे कारोबार चल सकता है। बहुत आला। घर कैसा लगा आपको? यार गहरी सोच है। बहुत खूबसूरत लगा, स्पेशली जो दरख्त आपने लगाए। आपको पौधों का शौक है? बहुत मुझे लगता है यासिर नाम होती है ऐसे, है ना? हर यासिर नाम के लोगों को क्यों पौधों का शौक होता है? नहीं मेरा एक दोस्त है यासिर ताज, उसके घर में घास की पत्ती भी नहीं है। अच्छा। तो इससे पता, अगर ऐसा होता तो आज ये भी जुआ खेल रहा होता है, ये भी कहीं कैसीनो जा रहे होते हैं। मेरी भी नहीं है, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। अच्छा तो आपके घर में भी पौधे वौधे ये बहुत गार्डनिंग करते हैं? बहुत ज्यादा। हाँ जी हमें पौधों का इतना क्रेज हो गया कि अभी हमारा पानी का बिल इतना है जितना लोगों का बिजली का। नहीं घर के बाहर वो तंदूर भी लगाया हुआ ना, वो जो बारबेक्यू के लिए आप गए हो? यार ऊपर से देखा था। आप लोगों को मैं वैसे इनविटेशन ही देने आया था। अच्छा यार लग रहा है आप आगे अभी भी इनविटेशन देने आए हैं कि आप लोग प्लीज हमारे घर में वो है एक दावत है। ये तो वाईएसएल का बैग है, तो बड़ा मैंने कभी छुपाया हुआ था कि कुछ से, क्योंकि मेरा बैग यासिर ने लिया था। मेरा बैग समझिए वाईएसएल वाई लिखा हुआ, यासिर लिखा हुआ। जिस तरह आपने वहां फेंका है इसको, क्या करूं अरे इस बैग की पूरी कहानी है। इस आदमी को नफरत है इस बैग से। या तो ये कॉपी है? नहीं नहीं कॉपी नहीं है, ओरिजिनल है। ओरिजिनल है ये, पता क्या कहता है? अब ये यहाँ पे हमारा जैसे टीवी है सामने, ये बैग यहाँ रखा हुआ है, यासिर यहाँ बैठा है, इससे तो मुझे चिढ़ है, इसको तो उठाओ यहाँ से। लगता है कोई बंदा बच्चा बैठा हुआ है मेरे ना यहाँ पर, मुझे इसको हटाओ यहाँ से यार। अरे इसमें कोई सांप निकल के काट लेगा। नहीं मुझे बहुत बड़ा बैग है यार ये, ये बिल्कुल वही है जो लक्स अवार्ड में यासिर हुसैन के पास था ना। उससे भी बड़ा है, उससे बड़ा है ये। कौन कैरी करता है यार अवार्ड में बैग? देखे रेड जो लगाता है ना ये, मुझे लगता है कि ये दो नंबर है इसकी वजह। सीरियसली मेरे लिए दो नंबर है लगता।
हम तीन नादानिया थे ना एनडी वाई नादानिया में तीनों आते थे निजा दानिश यासिर तीनों एनडी वाई रखा हो तुमने और तीनों बेसिकली बेवकूफ थे उसमें हम दोनों वो थे हराम थे और ये दोनों बेवकूफ और हम हराम थे बेवकूफ ज्यादा हम काम नहीं करते थे हम घर बैठे मेरी माँ हाँ हम घर बैठे हुए काम नहीं कर रहे निधा जॉब कर राइटर था वो पहला सिटकॉम था जिसमें ये जो टिपिकल नानी दादी एक फैमिली का सेटअप होता है वो नहीं था नहीं नहीं वो नहीं था आप भी कुछ नहीं दिखाए थे अब वो की तस्वीर थी पार्ट था ना वो अंकल की तस्वीर तस्वीर थी जिससे आप हर बात की शिकायत लेके मैं कहता था मेरी सास इतना चिढ़ती थी उसको देख के मुझे मम्मी कहती है ऐसे भी नहीं नहीं बस एक मैं बताना मुझे मम्मी कहती है एक बात बताओ यासिर जी मम्मी लेकिन झूठ मत बोलना सच ही बताना मैं जी जी क्या तुम कुछ नहीं कमाते मैं क्या हो गया कि नहीं कमाती घर वो चलाती है मैं क्या हो गया मम्मी फिर मुझे बाद में ख्याल आया कि मैंने नादानियाँ देख दिया तो मेरी अम्मी पे ना बड़ा असर पड़ता था मैं एक किस्सा सुनाता हूँ एक और मजे का किस्सा एक दिन हम मैं बैठा हूँ अम्मी दानिश के साथ थी उस जमाने में तो अम्मी ने कॉल किया औलाद बड़ी बेगैरत होती है और तुम बेगैरत जोड़ू के गुलाम तुम ये तुम अभी और सामने मेहमान बैठे घर पे मैं जी जी अम्मी जी 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 सही कहा आपने जी जी तुम ये तुम वो बड़ा सुना के फोन काट दिया मैंने बाहर जाके दानिश को फोन किया क्या अभी तो मिल गया हूँ शाम क्या हो करिए बोला कुछ नहीं यार ये अम्मी ने बागबान फिल्म देखी है बागबान को ना आपको करने के बाद फिर फराज को किया मुझे बेइज्जत कर चुकी है तो बागबान फिल्म देखी है तो मेरी अम्मी पे ड्रामों का ना बड़ा असर होता था और बागबान देख के सब हर बच्चा दलील हुआ है घर में अम्मियों पे बागबान का बड़ा असर होता तो हमारे वैसे मासूम लोग हैं उनको ड्रामा का बड़ा असर करते बहुत ज्यादा आम पब्लिक बहुत हमारे मासूम मेहमान को भी अंदर ले जाओ मासूम मेहमान खड़े रह गए बाकी खत्म ही होने वाला बस बातें रह गई अम्मी अम्मी जो अम्मी टीवी देखती थी ना तो अम्मी पे असर होता होता था आपकी अम्मी की कैसी नेचर थी हमारी अम्मा जितना मेरी वो टर्किश ड्रामो की कंट्रोवर्सी हुई थी मेरी अम्मा वो बहलूल वाला ड्रामा बहुत शौक से देखती थी अच्छा कोई ड्रामा था इश्क़े ममनू वो बहुत शौक से देखती थी और मेरी अम्मा आप लोगों की बहुत फैन थी अच्छा हम तो इसके ममनू में नहीं थे नहीं लेकिन आप लोगों की उस मेरी शिकायत मिलती होगी ना ध्यान से नहीं आपके अब्बा के ड्रामे हमारे घर में देखे जाते और हवाएं भी बहुत बहुत कमाल था तो सानिया सईद की बहुत फैन थी अच्छा सानिया बहुत अच्छी तो हमारी दोस्त भी है बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं चलो हम अंदर चलते हैं और हम कुत्तों की बात करेंगे क्योंकि कुत्ते निरा को पसंद नहीं है और यासिर हुसैन को पसंद है और यासिर नवाज को भी पसंद है हम उनकी बात भी करेंगे कुत्ते को कुत्ता बोला आप माइंड तो नहीं करेंगे नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे हां बस सही है आ जाए अंदर आ जाए दरवाजा बंद करें तो ये इरादे सही लग रहे हैं उसके प्रोग्राम के बाद दरवाजे पे प्लीज खर्चा कर दो थोड़ा सा सही है भाई ये लुक जो आपकी थी ना बड़ी बोल्ड लुक थी ना सही है यार ये हमारा किचन है यासिर हुसैन और ये हमने कुछ मंचिंग के लिए रखा हुआ आपके लिए आप बातें भी करें और नाड़े से बांधा हुआ इसको हमने ये बड़े शैतान के भाग जाते हैं ये देखो और चाय बनाओ ना कौन बनाएगा दानिश आप बनाओगे कि यासिर आप बनाओगे और ये टमाटर हमने अपने ही बाग में उगाए हैं देख रहे हो कौन से हाथ में ये बताओ यार इस हाथ में अगर पक्का बताओ देखा भी नहीं है नहीं नहीं यार इसमें चले इतना गाड़ी 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 आपकी हार गया गाड़ी थी सही बताने पे सही बात है सही लेकिन यूं करके पीछे छोड़ दे तो जाती है नहीं आप खा भी सकते हैं हाँ मैं ट्राई करता हूँ आप खा के बताएं देखिए खराब तो नहीं हुआ फिर हम खाएं जी नहीं हाँ जी दानिश चाय मेरे साथ में खराब हो गया आप खा ले तो यासिर मुझे बताओ तुम नाम तो यासिर है एक्टर भी हो अब डायरेक्शन में भी आ गए तो क्या कह चाहे जो जो करूंगा करना है वो सोचा हुआ है मैं समझ गई तोंद क्या क्या तोंद का नहीं ठरक तो नहीं ये तो भाभी आपने खुद ही बोल दिया अपनी तरफ से सोचा भी नहीं होगा ये तो दिल की बात भी बोल रहा है ना मुझे तो वही लगा लेकिन भाभी के ज़हन में जाए भाभी ना बोल आज बोल दो इसके ऊपर हाँ लेकिन लेकिन मैं वाकई वो भी नहीं करूँगा यस गुड बॉय गुड बॉय हाँ क्योंकि मैंने शादी करने से पहले ना बहुत सोचा था
क्या मैं जो शादी करने जा रहा हूँ इसके बाद मुझे कोई और लड़की पसंद आनी चाहिए या मैं किसी और की तरफ ऐसे अट्रैक्ट हूँ या ना हूँ। तो मैंने बहुत सोच समझ के ये कितने साल में शादी हूँ मुझे पता था आपकी तरफ से ये सवाल आया और आपने प्रूव कर दी उनकी बात सही। कितने साल में प्रूव बताओ ना शादी को। अल्हम्दुलिल्लाह जी 3 साल हो गए। हम इस शो में 3 साल बाद फिर आना फिर सवाल बोलेंगे ये हम साल से पूछेंगे आप शो और मैं फिर आऊँ और फिर हम मिलके आपकी लगा रहे हो इसी बात पे कि अब तो मुझे 6 साल हो गए सुधर जाओ। नहीं नहीं यार हम भी चलिए यासर की कभी हमने इस तरह रिपोर्ट तो सुनी। आप देर से आए हैं तो आपको देर हो गई शोबिज में मतलब आप आए हैं जो उस वक्त आप छोटे थे। अगर उस तरह से देखे तो 2015 में पहली फिल्म की थी कराची से लाहौर वो था या मैंने दरीचा ड्रामा किया था आई थिंक 2012 में एआरवाई का मोहम्मद आमिर साहब ने लिखा था डर गई है मुझसे अभी अब नहीं बोलेगी मैंने तो सच बोल तो दिया। देखो मेरा है रोग ये तो मैं अंदाजा नहीं आया उसके बाद वो जो ज्वालामुखी यासर में से निकली वो कहाँ से निकली सबको कुछ ना कुछ ही बोल देते हैं और क्या देखे बना दी ऐसी बोला भी है क्या बोला निला है ना निला इनके साथ मैंने जब भी बात की है लास्ट हमारी एक डिस्कशन हुई ट्रैवलिंग के बारे में मैंने कहा होगा मैंने कहा कितनी स्मार्ट औरत है और इमेज क्या है ये है मीडिया एक बंदी है हम खुद भी पास ही लगाए समझ उन्होंने मुझे बताई अच्छा नहीं मसला आपके लिए लास्ट जो मीम बनी भाई अब मेरा भी यही सीन है मुझे लोग मिलते कहते हैं कितना स्वीट आदमी है क्या हेल्प करते हैं आप लोगों की सारे न्यू कमर्स इन्हीं के नाम ले रहे हो नहीं पॉजिटिव यासर को देख के पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तीन चार जो है ना मेरी वो कंट्रोवर्सी ना अब आप ना हर एक्टर की उसको गूगल करो उसकी कंट्रोवर्सीज देखें मुझसे ज्यादा है बट इमेज मेरी बनी हुई है बट आई डोंट माइंड इट मुझे इससे मसला नहीं है सिवाय इसके कि शायद मे बी कोई ब्रांड डर जाते हो कि यार बड़ा कंट्रोवर्शियल है और इसके अलावा कोई नुकसान नहीं है मुझे ये आजकल ये वाला काम होता है आप किसी भी जगह जाएं तो कई जर्नलिस्ट आपको एंटरटेनमेंट के मिलेंगे जिन्हें पता ही नहीं होता कि आपने क्या क्या किया हुआ है वो आपसे वो वाले सवाल पूछ रहे हैं अच्छा तो फिर आपने कितने ड्रामे किए ये तो आपको पता होना चाहिए और इससे आगे की बात करनी चाहिए वो आप मुझे बिल्कुल बेसिक पूछ रहे हैं सवाल कि आपने कितने ड्रामे किए हैं क्रिकेट का नहीं पता बिल्कुल भी हम दोनों को कि हम देखते ही नहीं चाय आप चाय भी कितनी चीनी लेंगे मैं चीनी में चाय मुझे आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं मैंने सुना है पुलाव घर वाले बनाते हैं कोई भी चीज थोड़ी की है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है कंट्रोवर्सीज में भी और खाने में भी बनाया बंदे से पुलाव सब कम काम करे ना तो ज्यादा नजर आता है क्वालिटी लेस इज मोर। हाँ, ये तो नहीं ये भी हो सकता है कि आपकी पहली कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो कि उसके बाद कोई भी बंदा कुछ भी कहे तो लोग बोलेंगे यार ये बात किसी ने कही होगी और कोई अच्छा वैसे जैसे माशाल्लाह सेंस ऑफ ह्यूमर आपका भी अच्छा है और एक जुमला ऐसे अंदर से आता है ना मतलब मजेदार सा किस्म सा अनवर साहब की मेहरबानी है। अच्छा उनके सोबत पर उनकी सोबत उनका काम बहुत देखा है उमर शरीफ साहब का काम बहुत देखा है मुनक्कर साहब का बुशरा अंसारी लड़कों के साथ शुगल करते हैं नहीं वो
काजी भाजी साहब के साथ जो है ना, अच्छा मैंने सीरियल लास्ट सीरियल किया था, बेटा बना था उनका मैं। अच्छा ये एक सवाल था, था 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 था। एक सवाल मैं आप तीनों से करना चाहती हूँ, प्लीज आप तीनों का सैंपल फिल्म मॉर्निंग शो शुरू हो गया, मुबारक हो। ठीक है, एक मुझे बताओ आप, तो आप लोग असल में क्यों ऐसे सीरियस बन जाते हो, मतलब गुस्से वाले और यासर नवाज का चल रहा। नहीं नहीं, हाँ नहीं देखो मसला ये है कि घर में मुझे लग रहा नहीं नहीं ये क्या नाम है उसका, क्या बात है अच्छा जितने कॉमेडी करने वाले लोग हैं ना वो घर में सीरियस होते हैं, कॉमेडी काम है उनका। हाँ तो जैसे अब हम कहें आप घर में क्यों नहीं मॉर्निंग शो की तरह बोलती, ऐसी बात है। ओ आज क्या पका है एक बाला। तो अब ये अजीब लगेगा कि हम घर में भी वही काम करें जो हम बाहर जाके पैसे लेके जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है ना। नहीं लेकिन जैसे हम लोग कॉमेडी असल में जो है ना, जो कॉमेडी करने वाले लोग हैं वो बहुत सीरियस लोग हैं। जैसे जब मैं दानिश से पहली दफा मिला तो मुझे इनका काम तो बहुत पसंद है, मुझे इन कॉमिक टाइमिंग बहुत पसंद है, बहुत अलग इनका ड्रामा था। उसमें ही कहते हैं, मुझे आज तक नहीं भूलता, वो कहता कि इनको ना ब्लैक बेल्ट मिल रहा होता है कराटे सीखते हैं, तो इन्होंने ना बड़े उड़दंगे से वो कपड़े पहने होते कराटे वाले, ना साफ लग होता है कराटे से कोई ताल्लुक साफ है भी कर रहे हैं यार। हमने ऑडियो की वजह से हमने पंखे उनके एसी बंद किए हुए हमने, तो ये तो एक ये भी बात डिस्कस करेंगे अभी कि ऑडियो का सेटअप हमारे मुल्क में अच्छे वाला कब आएगा। ये बात चल रही है, ये चेटरिंग कब वो उनका डायलॉग था, तो बंदा कहता है इनका कुछ नाम होता है, कहते हैं तो पता है जैसे दानिश तुम्हें पता है आज बहुत बड़ा दिन है, कहता है क्यों आज का 36 घंटे का दिन, मुझे गुस्सा दिला दे या मेरा कोई गलत बात कर दे उसको मुझे गाना नहीं गाया जाता, कहता मुझे गाना ही नहीं गाया जाता। अच्छा इतनी खतरनाक बात है, इसके कंपटीटर्स जैसे स्टेज पे चढ़ने लगे ना उसको ऐसी बात करना। इसलिए थोड़ा सा थिक स्किन होना चाहिए, ये ना किसी को भी ऐसे करके ना पिन कर देता है कोई, जैसे आप बोल तैयार होके जा रहे हो क्या अभी चेंज करोगे, तैयार नहीं होके आए। साकिब मलिक साहब के साथ एक ऐड किया था उस वक्त, वो रील पे था जो रील नहीं फिल्म की होती थी उसको, तो वो जाहिर फुटेज जाया हो रही थी और मसले हो रहे थे, वहाँ से खड़ा हो जाता था कुछ, तो बड़ा गुस्सा किया, मैं नया नहीं आया था बिल्कुल, मैं कुछ 18-19 साल का था, तो वो उन्होंने उसमें मैं भी था, उसमें आयजा भी थी, आयजा का भी शुरू शुरू का काम था, तो वो साकिब साहब बहुत गुस्से वाले थे और चीख चिखाड़ा ऐसे। फिर मैंने असदुल हक के साथ एक ऐड किया तो मैंने देखा कि वो खामोश रहते बट उनकी इमेज ऐसी थी कि ये गुस्सा करेंगे, किया नहीं उन्होंने। फिर मैंने जामी के साथ एक छोटा सा ऐड किया, जामी साहब से ज्यादा कूल डायरेक्टर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा बाहर शोर हो रहा है और वो अपने से कह रहे यार जाके इनको गुस्से में कहो कि चुप हो, कह रहे जाके ना गुस्से में कहो कि चुप हो, कि मतलब खुद नहीं वो फटेगी। तो मुझे ये बात समझ आई, मैंने कहा यार अगर कभी जिंदगी में डायरेक्शन करनी है ना तो डायरेक्टर वो बनना है जो गुस्सा ना करे। जिंदगी में करते हैं गुस्सा? नहीं मैं वैसे कबीर पे किया है, कभी गुस्सा कबीर पे गुस्सा किया है? कबीर पे खत्म, 2 साल का बच्चा तो वो तो तोड़ गए, कुछ कुछ तो हो सकता है। लेकिन यार कबीर आपने नाम कैसे रखा, कबीर सिंह फिल्म देख के रखा? कबीर नहीं नहीं, कबीर फिल्म कबीर भगत कबीर एक ज्यादा बड़ा नाम है, तो वो उसकी शायरी बहुत अच्छी है, तो अगर आप पढ़े तो बड़ा मजा आएगा आपको। तो वो मेरे जहन में था तो मैं वो नाम रखना चाहता था, और एक मेरे जहन में नाम था सुकरात। सुकरात तो घर वालों ने बिल्कुल ही कहा नहीं भाई जादूगर पैदा मेरे घर में वो नाम था, बोले बोले तो कबीर कहा, तो फिर कबीर पे लोगों ने कहा कि भाई ये जरा भारी नाम है और ऐसा है वैसा है, तो ये अभी बाद में काफी इस्लामिक स्कॉलर्स ने कहा कि भारी नाम वगैरह कुछ नहीं होता, बस ये कि कुफरिया माने ना हो नाम, इसके अलावा कोई भाई अब जैसे कोई अपने बच्चे का नाम शैतान रख दे ये जहर ऐसी बात अजीब सी बात है। लेकिन तो उसने कहा कि शैतान, लेकिन मुझे ना बच्चों को कह तो देते हैं बेटा शैतान ही मत करो, शैतान अरे ये बच्चा तो बड़ा शैतान है, बहुत कहते हैं लेकिन नाम नहीं रखवाते। तो वो एक हमारे आलिम थे उन्होंने भी मुझे कहा कि बड़ा ये भारी नाम है,
तो सुकात हाँ नहीं नहीं कभी नहीं बड़ा है भी ना, तो मेरी सास को थोड़ा सा हो गया, उन्होंने कहा बेटा देख लो सब कह रहे हैं भाई ना, तो मैं अपनी फैमिली ग्रुप में था, तो मेरा भाई बड़ा कूल आदमी है नासिर, तो वो साउथ अफ्रीका में थे, तो मैंने वहाँ पे लिखा, मैंने कहा यार सब कह रहे हैं कबीर में रखना चाहता हूँ बट सब कह रहे हैं बस भाई नाम है, तो मेरा भाई कहता है तो एक काम करो मार्शमेलो रख दो नाम ये बहुत लाइट है तो मुझे बात समझ आई, मैंने कहा ये भारी हल्का कुछ नहीं है, इतनी बड़ी कहानी सुनाई है, वोटिंग छोटी मेरा और मेरी बीवी का बच्चा वोटिंग करते हैं, दादी कहती है नानी कहती है, दादी तो उसके हॉल में पड़ती है, नानी जो है उसकी वो फुफियां तो है ना, फुफियां तो स्कूल में तंग करेंगे माहिवाल माहिवाल नहीं नहीं वो आपने सीन रखा तो इतना रोमांटिक ही ना हो जाए, कोई इश्किक चलाता रहे बड़े बड़े नहीं और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे नाम लिखने चाहिए, आप बात कितनी आगे ले जाएगी ये बस ही है, आप अपने जो माली है उसको कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे कि ये आशिक है, अजीब नहीं लगेगा ऐसे नाम, हमारा जो दिलबर नाम होते ना जानू, हमारा पहला वाला बेटा 10 महीने का था, मैं लाहौर में थी और रीमा जी भी थी पार्लर में, उसको गले से लगाया बच्चा चुप, अरे बहुत सारे मैंने कहा चला गया बाप, रीमा जी जब मुझे मिलती है ना, रीमा जी जब मुझे मिलती कहती है मुझे कबीर से मिलना है, कबीर से मिलवा, और इतनी मोहब्बत होती है उनकी उस जुमलों में, मुझे लगता है वाकई उनको आपके इस किस्से मैं आपको बता रही हूँ कि वो टॉप हीरोइन मतलब उस वक्त इतने साल पहले की और भी था, उनका जिक्र आ गया तो उनके हुस्न का जिक्र जरूरी, हसीन कल परसों मेरी मुलाकात हुई उनसे, अभी भी इतनी हसीन है तो मुकाबला नहीं है उनको, ऐसी थोड़ी अभी तक लक्स कर रही है भाई, नहीं नहीं ये लक्स तो मैं भी रोज कर रहा हूँ लेकिन पाउडर वाला वही वाला था ना पाउडर वाला, नाम नहीं ले सकते ना ब्रांडिंग हो जाएगी, शुरू में ई और वी आता है अच्छा यार ये एक मसला हो गया है बॉडी शेमिंग का, पहले जब हम मोटे हुआ करते थे तो पूरा खानदान टोक टोक के जो है ना वो पतला कर ही देता था, अब कोई ये कहता नहीं कि यार अब बॉडी शेमिंग वाला हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारी नई नई चीजें हमारे सामने सामने आई हैं जैसे कि पर्सनल स्पेस मी टाइम, पहले तो बच्चा पैदा हुआ था होता था बच्चे को यूं करके उल्टा लिटाते थे और दे मारो सीमा और इसे यार नानी मेरे पैर में नोट किया कि आपने टेबल टांग रखी और खत्म हो गई, कौन टेबल या टांग जहां आगे गई टांग, नहीं मैंने बचा के रखी थी ना, महंगाई बहुत है मैं ज्यादा टांग नहीं, मैंने नोट किया एक बार फिर करा, असल में टांग अड़ाने की आदत नहीं भाई, जितना टेबल हो उतनी टांगे बना, यार आपने सोफा भी ऐसा लगाया कि टेक लगाओ तो टांगे उड़ जाती है और टांगे जमीन पे लगाओ तो कमर आगे आ जाती है, माफी चाहते हैं माफी चाहते हैं, वाह मकसद सोफा है, वाह मकसद सोफा है, अभी हमारी डाइनिंग टेबल नहीं यूज किया आपने, यहाँ से बात किया हमारी डाइनिंग टेबल में क्या है, सोफा यहाँ पर है और प्लेट आपको यहाँ रखनी होगी, जो उठाए आप खाना वो बहुत चौड़ी है, प्रैक्टिकल नहीं हो मैंने तो डे वन से कहा इतनी चौड़ी टेबल फिर सोफा रखा हुआ है वो प्रैक्टिकल नहीं है, मैं तो जब भी यहाँ से घर में खाना खाता हूँ खड़े होकर खाना पड़ता है, हाँ ये तो बुफे की तरह तो हमारे तो हम फेट हो गए, बताओ जिस बात क्या याद है क्या राजकुमार साहब थे ना एक्टर दुनिया के, एक फिल्म थी तो वो कहता है कि सब तुम्हें मैं मारने लगा हूँ और तुम इतना ये चिल में खड़े हो क्या सीन है, तो सिगार पकड़ता है और ले गया ना पाइप पकड़ के फेंक देता है,
फेंकता है तो धमाका होता है और आग वो सब धुआं धुआं हो जाता है और एकदम से जब धुआं खत्म होता है तो आगे पिस्टल लेके खड़े होते हैं तो कहता है कि ये क्या हुआ, कहता है शुक्र करो गेंडा स्वामी तुमने हमारा रुमाल नहीं छू लिया, नहीं तो जल के भस्म हो जाता। हर चीज से मुश्किल है, टेबल ऐसी है, मॉर्निंग शो का सेट लगाया है, ये आपको सोफे ऐसे है, फलाना ऐसा है, सामने देखे ना पेंटिंग की दुकान, आप पेंटिंग घुमा के देखे प्राइस भी लिखे हैं, बिल्कुल सही है ना, सही और सोफे पे बैठने के बाद मुझे लगा कुछ चीजों में वो बिल्कुल ठीक है इंसान। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं नहीं नहीं मैंने अभी तो कपड़ा इसका चढ़ा है, अच्छा है आपने खरीदे, इन तस्वीरों में से किसी एक तस्वीर हटाएंगे ना पीछे लॉकर भी है, पूरा घर घूम जाएगा किचन बन जाएगा, मॉर्निंग शो कर रहा है, इनमें से किसी तस्वीर को हटाएंगे तो पीछे की लड़की असली भी खड़ी है, ये नहीं यासर इस लेवल पे नहीं गए, लेकिन ये जरूर है कि कोई भी पेंटिंग घुमाएंगे उसके पीछे कीमत लिखी होगी, जो तोड़ेगा वो देगा। अच्छा आपकी बेगम शक करती है आप पे? मेरी बेगम नहीं शक करती, कभी भी नहीं पूछते हैं फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, आपके घुटने बाहर आ रहे हैं, आपके घुटने बड़े हो रहे हैं बैठे बैठे, जहां तक मेरे घुटने पहुंच गए आपकी कहानी। अच्छा आपने घुटने देख के लग रहा है आपने बचपन काफी गुर्बत में गुजारा है। बचपन मेरा नहीं गुजरा, लेकिन जवानी गुर्बत में। नहीं ये क्यों महंगी, हाँ नहीं नहीं लग रही है महंगी, कपड़ा कम यूज किया है बहुत महंगी, पहले मेरे बैग के पीछे लग गया पहले के पीछे यार, बॉडी शेमिंग तो नहीं कर रहे ना ये, अच्छा लग रहा है फैशन समझते, अच्छे लग रहे हैं कपड़े, नहीं नहीं अच्छे लग रहे हैं। आप अभी वहां से आ रहे हो ना अब्दुल्ला चकाजी से? याद आ रहा है, शूटिंग वहीं हो रही थी ना। ये फैशन में से है, मेरा बाल ज्यादा ऐसा है फैशन करने का, लेकिन निदा आपको घुटने इजाजत नहीं देते। नहीं नहीं घुटनों के ऊपर तक की शॉर्ट पहन के चले जाते हैं शूटिंग में, मुझे इतना बुरा लगता है। तो पिछले लोग तुम बुरा आगे क्यों आ रही हो आप बीवी, आपको इतना बुरा लगता है यार? मैं तो मुझे तो तरस आ रहा है इनके ऊपर, इतनी रिस्ट्रिक्शंस, मैं सीधे बाहर अभी दो चार मिनट और बैठो और आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे हमारे, मैं इतना दुखी हूँ अपने घर में। कोई दुखी नहीं है, इतनी सी चड्डी पहन के जाते हैं, उधर जो उनको होनी चाहिए, कोई काबू में नहीं है भाई है मेरे। सीरियसली सच वाली देख रही हूँ क्योंकि हाँ बार निदा हमारी बात की। थैंक यू निदा, आपके नीचे कमेंट लिख के हम बोलने वाले थे आपने बोल दिया, थैंक यू निदा अजरा 44, थैंक यू निदा ग्लोबली लेके जाए मॉर्निंग शो में जिक्र करो, यासिर एक यासिर चड्डी वाला, चड्डी वाला छोटी चड्डी वाले गाना ही बन सकता है, अल मारू बाबा छोटी चड्डी छोटी जड्डी हुए क्या? नहीं हम काला जादू, काला जादू अरे अब तो मैं तो बहुत शोज भी किए तो बस निदा के आपने जितने शोज किए आपने हर शो बहुत किया। निदा के पास आया नजूमी जो था आया बामे साहब तो बताता है की हाथ देखा या जैचा निकाला, दोनों की डेट हाथ देखा और मेरा भी डेट जैचा निकाला, आपके आपके तो तीन बच्चे हैं लेकिन यासिर के चार बच्चे हैं, तो निदान क्या दो शादियां बड़े शादी एक ही है उसकी, मतलब एक बच्चा सीरियसली एक बच्चा बड़े नहीं यासिर के चार बच्चे हैं आपके तीन बच्चे हैं दो शादी नहीं शादी एक बच्चा यासिर जाया कर दी गई। ये कौन है जो आग लगा के गया बंदा यार, ये मैं हम लोग तीनों एक ही सोफे बैठे लेकिन फिर भी लग रहा है मैं अलग सोफे बैठा हूं, ये आप के साथ करते हैं करते हैं ना, ये मेरा नाम जब से डी रखा गया तब से डिग्रेड कर थोड़ा आपको फील करा डिस्टेंस का वो होता है ना, आपकी एक ही साड़ी है तो जूता छुपाई ये वो सारी चीजें हुई थी आपकी, ले गया अचानक से अचानक मॉर्निंग शो का ये क्या टॉपिक चेंज करूंगा, नहीं नहीं सवाल किया जाए कि भाई बंदा आया तो जवाब दे, मेरी जूता छुपाई हुई थी और वो उन्होंने जूता छुपाया था पर मैंने वो डील बना ली थी उसी वक्त, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जूता, उन्होंने मुझे कहा घर रास्ता रोक दिया, उन्होंने कहा भाई पहले अंदर आने के जो पैसे वैसे होते हैं तो उन्होंने कहा कि ये इतने पैसे पता नहीं कितने लाख मांगे, लाख शुरू लाख से होते हैं ना मामला, शुरू लाख से होता है तो उनको भी पता है दुकान दुकानों पे जाते हैं ना ये लोग पता है मतीन सेंटर में कपड़े कितने का मिलता है खरीदना कितने का इतने लाख ना वो सारे उनके कजन वगैरह भी थी
तो मैंने कहा बस इतने ज्यादा ये तो नहीं दे सकता नहीं दिया अपनी मर्जी के लिए ले लिया। ये मोहब्बत हुई कैसे एक तरह से? शूटिंग सेट पे हुई है क्या हुआ? नहीं नहीं, या वैसे ही हम उधर मिले थे टोरंटो में अवार्ड शो पे, वहाँ मुलाकात हुई थी। टोरंटो जो अच्छा अभी जो पहली दफा गए थे जी टोरंटो, तो वहाँ पे मुलाकात हुई थी और वहाँ प्यार हो गया एकदम। हाँ मुझे अच्छी लगी। अच्छा आप लोग एज में भी काफी डिफरेंस है। अच्छा तो यानी सबसे बड़े आप हो, फिर इकरा है, फिर कबीर है, ऐसे नहीं नहीं कबीर बीच में आता है कबीर बीच में ये हमारे साथ में लेकिन ये अलग है, ये हमारे साथ लेकिन आइए आइए हमारे वो था गाना रिकॉर्ड कर रहे थे ना, तो वो जो हारमोनियम प्लेयर थे सुनील नाम था उनका, नहीं साइमन, तो वो बता रहे थे कहते वो बंदे ने ना उदा तारीफ भी करनी सी ते नाल उनु बेइज्जती करना सी। हां तो यार ये कौन है इतना प्यारा जो चूहा जा मैंने बताया इस तरह से कि लोग मुझे हमेशा कहते हैं आपका तो एज डिफरेंस है। मैंने देखा सारे सेलिब्रिटीज का तकरीबन इतना ही है, आप किसी भी नॉर्मल 10 साल है। और लड़के भी देर से मैच्योर होते हैं, अगर एक दो साल से बड़े कर दो ना ऐसे लगता है बच्चा पाल गया। ये आपकी बेइज्जती है या फेवर बात की है? फेवर में बात है इसका काउंटर है। आई नहीं बहन ऐसी भी इतने आपने तो बिल्कुल मैच्योर देर से कमाना जरूरी है। यासिर यासिर में बात कर हर पीला पेन पियानो ने नहीं लड़के सच्ची में लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती है, ये एक फैक्ट है। मैं काफी जल्दी मैच्योर हो गया था, मैं काफी अच्छे से काम भी कर रहा हूँ और मुझे आदत है काम की। बाकी जिस मैच्योरिटी की आप बात करें कि वो दिल से मैच्योर होना और बचपने वाली हरकतें, वो तो आई थिंक जितना आप क्या यंग एट हार्ट रहें उतनी अच्छी बात है। और आपकी ये दोनों जो देवर और शौहर हैं इनमें ये बहुत अच्छी बात है, अच्छे दिल के हैं, अच्छे दिल के मजेदार लोग हैं। बोले ऐसे बोले ये अच्छे दिल के हैं, ये मुझे लगता है आज मुझे बाहर सोना पड़ेगा मुझे घर के बाहर। नहीं मैंने कहा क्या क्या लग रहा है आपको एक हफ्ता छुट्टी में जाना पड़ेगा, इसलिए ताकि जब से मैं आया हूँ बता रहे मैं यही बैठा हूँ, मैं यही बैठता हूँ सुबह ये बाहर का ही बताया जा रहा है और यही यही होता हूँ मैं यही बैठा हूँ ताकि मैं अचानक हूँ और यहाँ बैठे मुझे ऑकवर्ड सुबह बाहर गेट भी खोल लेता हूँ तो शाहरुख खान मन्नत के वहां निकलता है तो मैं बाहर बैठा हुआ खुदा खुद कर रहा होता हूँ। और ये भी बता दो कि वो एक ही फटी हुई बनियान है वही पहन के बैठे हुए। वो तो खैर घर में यासर का कोई आशिक है वो माली है और खादिम जो मेरा वो ड्राइवर है। हमारे बिल्कुल ही साथ वाले मुल्क में एक खास किस्म का फैंडम देखने को मिलता है ना, क्रेज, और हमारे यहाँ रेयर है। कभी शायद फवाद खान ने वो देखा, वो वैसे तो शान वगैरह ये फिल्मी नहीं हमारे यहाँ, मुझे मुझे लगता है ऐसा है, मुझे ऐसा मेरा ख्याल है कि हमारे मजहब में इस चीज़ को तो पसंद नहीं किया जाता, उनके मजहब में ये मजहब का हिस्सा है मूर्ति पूजा फला पूजा। असल के एक तो ये के हमारा मुल्क होता है ना, हमारा जो अवाम है ना वही एक सबसे बड़ा स्टार है। यानी अगर दो लड़के सिटी 70 पे खड़े होंगे ना और मर्सिडीज गुजरेगी तो एक दूसरे को कहेगा अभी देख मर्सिडीज के अबे सी क्लास है दबा कर फौरन ऐसे ही है फौरन सस्ता कर देते हैं। अबे क्या यार हमारा सुपरस्टार गुजरा होगा एक बोलेगा अभी शान जाना शान दूसरा अबे जाने दे उसे क्या नहीं हमारा यही होता है ज़्यादा नहीं चौड़ा हो जाएगा ये भी कर रहा है। हमारी आवाम बड़ी स्टार है, हमारी स्टार है। मैंने अपने बारे में नोट किया मुझ में से ना ये अब तक नहीं जा रहा ये चीज। मैं आज भी एक्टर्स को देखता हूँ ना तो मुझे बहुत वो वाली फीलिंग आती है जो
आप लोगों के पसीने छूट गए, आपके एसी भी खोला, उनके बाल ठीक हो गए। मेरे बालों का मसला है ये, मेरे बालों का मसला। मैं कह रहा हूँ टोपी डाल लूंगा, हफ्ते में 7 बैड हेड है जी। यार वैसे मैंने सिंधी बहुत कम इतने गोरे देखे हैं। हमारा जो बैकग्राउंड जो फोर फादर्स हैं वो यहाँ से है ना, ईरान, बलूचिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान, फिर सिंध, सारा। ये वो डायरेक्टर आउटडोर पे जाते ही नहीं है, असिस्टेंट शूट करके ले आया, सारी फोन टॉक, सन ब्लॉक लगा के गाड़ी में बैठ गए, एसी खोल के। नहीं हम मजदूर डायरेक्टर हैं, ये खुद मजाक उड़ाते हैं ऐसे डायरेक्टर्स का, जो कहते हैं जा असिस्टेंट से जा भाई। नहीं हमारा, मैं जा रहा हूँ सिगरेट पीने, जाओ रिकॉर्ड कर लो। बहुत सारे ऐसे भी डायरेक्टर्स हैं भाई। नहीं हम लोग, और ये बात, हाँ सिगरेट पीते भी तो नहीं है, हाँ सिगरेट पीते भी नहीं है, लेकिन ये है कि आप काम अपना ईमानदारी से करें, आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो हम कोशिश करते हैं, थोड़ी सीरियस बात भी होनी चाहिए ना यार। तो भाई 40 जगह एक्सचेंज कर रहे हैं यार। नादानियां करते हैं, नहीं अभी सीरियस फिल्म देखी है मैंने इनकी, चक्कर 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 की, चक्कर की बहुत बड़ी कहानी है। अभी आप ज्यादा बात करेंगे ये रो पड़ेंगे, तो छोड़ दें। आप उसमें कौन सा रोल करना चाहते हैं? नहीं बाय, ये हम क्या, वो जो दूसरी नीलम मुनीर थी ना, वो दो नीलम मुनीर थी ना, दूसरी वाली मैं डबल रोल था ना। मैं बता रहा हूँ कि ड्रामे का नाम दिल्ली मुस्तफा था, नहीं आते आप इतनी रात को यहाँ। अच्छा किसी बस में जरा आई थी पानी पीने के लिए, आप ये फूल बड़ा सूट करेगा, वाकई कहा मैंने क्यों नहीं देखा। अच्छा वो बने हुए थे रोमांटिक आदमी, तो वो तो मानूर बलोच के साथ भी कर चुके हैं वो तो, हाँ बहुत भले किया था उससे, उस कॉलेज में पढ़ा था, उसकी यूनिवर्सिटी में बच्चे थे, तो चांद पे जाऊंगा, चांद पे जाऊंगा। हाँ तकिया कलाम था वो, था सुल्ताना पाक डायरेक्ट किया था, सुल्ताना पाक था, ये पुराने चावल है। अच्छा नहीं सुल्ताना आपको, हाँ। आपको किसने सपोर्ट किया? मुझे, हाँ लक्ष्य ने, सबने सपोर्ट किया, और सपोर्ट नहीं किसी को एक होता है ना कि आपको, अगर मैं ये आप किसी फेवरेट होते हैं, क्रेडिट वजाहत रऊफ को दूंगा कि वो जो पहली फिल्म हमने मिलके लिखी थी उसमें मैंने एक्टिंग की और पहला लीड कैरेक्टर वजाहत रऊफ ने, तो वजाहत को मैं एक क्रेडिट दूंगा। दावर महमूद को थिएटर में मैं क्रेडिट दूंगा, जिन्होंने थिएटर उनके साथ किया, मैंने 14 अगस्त में मेन ड्रामे जितने थे वो दिए, और सबसे ज्यादा मैं अनवर मकसूद साहब को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने अच्छे स्क्रिप्ट मुझे दोबारा कभी नहीं मिले जो जैसे उन्होंने। आपके अंदर कैसे लिखने की क्वालिटी कैसे आई, मतलब एक होता है ना इनबिल्ट होती है चीज। बता चुका पहले भी कि मैं थिएटर इस्लामाबाद में ना एनजीओस के लिए लिखता था, मैं टीनेजर था, तो मैंने एक्टिंग करने के मिलते थे 500 रुपये, एक दिन का वो ड्रामा होता था, एक दिन की रिहर्सल, तो ये सोशल इश्यूज पे होते थे वो, और स्ट्रीट थिएटर होते थे, तो 500 मिलते थे एक्टिंग के, 1500 मिलते थे राइटिंग के,
अच्छा 7 मिनट का ड्रामा लिखने के 1500 तो लिखना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा ये तो काम ज्यादा नहीं, तो मैंने लिखना भी शुरू कर दिया और एक्टिंग भी शुरू कर दी। तो मेरे 2-2.5 हजार रुपए मेरे सीधे हो जाते थे उसमें। देखो ये मैं काम कर रहा हूँ, पुराना दौर था 2-2.5 हजार में मैं बकरा भी खरीदता हो जाता था, वो मेरी टैक्सी आने जाने में खत्म हो जाते थे। सही। अभी तो मैंने निदा कि ये सीनों के बटन बांधे, तो लेसेस मैं बांध रहा होता हूँ। क्या हुआ, मतलब बीवी है ना, 3 बच्चों की माँ है, आपके बच्चों की माँ है, तो इसमें क्या है? रोमांस कर रहे हो क्या, बात है? ये रोमांस है, ये बटन मैंने भी नोट किया तो हमेशा लड़ते ही रहते हो, ये अचानक क्यों? रोमांस तो नहीं, तो अरे कैरेक्टर से निकल आए नादानी है कैरेक्टर जो भाई नहीं नहीं ये अच्छा कहा क्या नादानी है नादानिया के कैरेक्टर से बाहर निकल आए। अच्छा नादानिया में जो आपका कैरेक्टर था वो जितना आप हर वक्त कोई नोटिस नहीं आएगा कुछ, मेरे दोस्त की अम्मी ने एक बार मुझे वॉइस नोट भेजा, कहती मैं वो देख रही सी ते ओदे मैं देखा, मैं क्या ए की शै ओ यासर दे गोडे सन ते इतने काले गोडे काले तो नहीं सही है, दो तीन दफा इतने काले गोडे मैं क्या अस्तगफुरुल्लाह पर पंजाबी इतने अच्छे कैसे यार, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ। पंजाबी है, पंजाबी हो? अच्छा, पंजाबी स्पीकिंग नहीं है हमारी फैमिली, क्योंकि अम्मा अब्बा को पंजाबी आती थी, बाकी बहन भाइयों को नहीं आती। एक बहन है जिनकी फूफो के घर में शादी हुई, तो जाहिर है उनको आती है, मेरी फूफो जेलम से ताल्लुक है तो वो पंजाबी। आप तो आपको तो हम महाजर समझते थे उर्दू स्पीकिंग। उर्दू मेरी अच्छी है इसलिए शायद। हाँ लेकिन आप, हाँ मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीरी हो गोरा सिंधी कश्मीरी लोग बोलेंगे यार सही नहीं चल रहा माहौल, इकरा भी कश्मीरी, हम दोनों आते हैं। अच्छा चलो गुड, तो ये आपने जेलम और उधर मीरपुर से ताल्लुक है, इकरा उसके साथ ही दीना है वहाँ से। अच्छा दीना के तो वो भी ना गुलजार साहब भी है ना, गुलजार साहब है वहाँ के और जेलम साहब है, और जेलम के वो हैं आपके संजय दत्त के अब्बा, कश्मीरी होने की वजह से भी ज्यादा वो हुआ था कि अच्छा वो भी कश्मीरी और आप भी कश्मीरी। बाद में मैंने शादी का सोचा तब पता चला कि अच्छा ऐसा हुआ कि भाई अम्मी से मिला था, मुझे पता चला कि अच्छा ही था। तो आप लोग बात करते हैं लैंग्वेज कोई आती है उस तरह की? इकरा को नहीं आती पंजाबी, समझ आती है सारी, मुझे आती है पंजाबी बोलनी। हाँ, और इकरा की अम्मी को? इकरा की अम्मी बहुत अच्छी पंजाबी बोलती है। हाँ, उसकी खाला, उसकी अम्मी जब उसकी खाला आती है तो आपस में पंजाबी में ही बात करते हैं। हाँ, अच्छा। और इकरा की अम्मी का कमाल ये है कि वो आपसे ऐसे बात कर रही है तो बात करती रहेंगी, फिर एकदम ही बीच पंजाबी आ जाती है, बिल्कुल पंजाबी दे, फिर एकदम से उर्दू बोलने लग जाती है। अच्छा, तो और आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट सिबलिंग कौन है आपके, मतलब जब इतने माशाल्लाह 9 बहन भाई हो ना आप लोग, तो सबसे फेवरेट सिबलिंग आपकी जिससे बनती हो? मुझे तो आपके देवर बहुत पसंद है। ये सिबलिंग एक और ऐड कर लिया, 10वां आपने। मेरे सारे बहन भाइयों में पता नहीं ऐसा बता नहीं सकते, बनता है यासर तो एक दानिश भी आ गया। हाँ। नहीं होता है ना जो ऊपर तले के बहन भाई होते हैं उनके आपस में बनती है कुछ ऐसा। भाई का बहन भाई को कौन पसंद करता है, बस सही है ये तो मजबूरी में मिले। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, पार्टियां बनी होती है, ग्रुप्स बने होते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं बहन भाइयों के भाई। हाँ होते हैं, अच्छा वो ग्रुप चेंज भी होते रहते हैं। Yes. यहाँ पे भी चेंज होते हो रहे होते हैं। हमारे ग्रुप में क्या ग्रुप होता है सर, जैसे हम बहन भाई ये ग्रुप बनते हैं ना, तीन तीन चार चार। नहीं तो ये लोग चार पांच हैं तो इनके भी बनते हैं। हमारे यहाँ भाई ऐसा है कि एक ही ग्रुप का लीडर होता है, वो अपने आड़ी बदलता रहता है। जैसे यासर ग्रुप लीडर है, वो कभी यासर फराज को अपने साथ कर लेते हैं, मुझे और बहन को साइड पे जाते हैं, कभी मुझे ये बेसिकली चक्कर। नहीं लीडर हमारा हमारा भाई है ना यार, तो वो लीडर तो नहीं है आपसे बड़ा डरते हैं दानिश भाई? नहीं नहीं कोई डरते क्या, आपसे कितने साल का फर्क है? 5-6 साल का तो है ख्याल से। हाँ 5-6 साल का बोला। और जो दूसरे भाई वो आपसे भी छोटे? वो फराज डॉक्टर जो मुझसे 1 साल छोटा है, वो 1 साल छोटा है मुझसे। अच्छा फराज और मैं आगे पीछे के स्कूलिंग में साथ ही हुई। यासिर से हम सब डरते हैं, यासिर से हम सब डरते हैं, पता नहीं कहाँ से डरते हैं। ऐसी इमेज बनाई है, कोई नहीं डरता खुद नहीं, सीरियस हम सब डरते हैं। कैमरा के आगे ये लाइन बोली जाती है, मेरी इनसे जो हार्ट टू हार्ट हुई है ना, उसमें मुझे नहीं अंदाजा
हुआ इस बात का कि इनसे डरना चाहिए, लोग डरते होंगे। कभी कभी इनको डराते भी हैं हम, लेकिन इनसे ज्यादातर हम डरते हैं, वो कभी कभी कम कम होते हैं, उल्टा हो करते हैं आप कभी कभी। नहीं, कभी कभी हाथी भी निकल जाते, कभी कभी दुम भी फंस जाते। अच्छा, आपके यहाँ ऐसा होता है कभी कि इकरा आपसे किसी बात पे डरती है या आप इकरा से किसी बात पे डरते हैं? एक होता है रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है ना, तो उसको आप डर भी कह सकते हैं। औरत का ही होता है घर। हाँ। नहीं, जैसे बिजली का बिल ज्यादा आ जाए, कहानी है ना, बिजली का बिल ना याद करा, 2 लाख रुपए है भाई, तो कह रही हूँ, तो कौन किससे डरता है फिर बिजली का बिल ज्यादा आ जाए? मैं क्या सिनेमा हॉल बोला है? क्या कर रहे हो घर में बैठ के? 2 लाख रुपए बस ना, की करा तारीफ तेरे, मुझे लग रहा है देख रहा है ये कहीं चोरी तो नहीं हो रही बिजली? हां हां, दानिश हो चुका है ये, मुझे तो लग रहा है हम खुद चोरी कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है कि हम चोरी कर रहे हैं। नहीं, 2 लाख ज्यादा है यार, क्योंकि मेरा हमारा भी आया जो 1 लाख आया, जो कि 1 लाख बहुत ज्यादा है, वो भी ज्यादा, लेकिन हमारे यहाँ 4 तो वो है, क्या कहते हैं, एसी? नहीं, हम तो एक ही कमरे में सो रहे हैं, एसी चला के सब आ जाओ, बच्चे हाँ, बच्चे और क्या, हम तो बचा रहे हैं सब। लेकिन 2 लाख ज्यादा आ रहा है, चोरी हो रहा है। मेरे घर में चोरी होता था खानदानी तरीके से ना। अच्छा, बिल आ रहा है ज्यादा और मैं कह रहा हूँ, अभी लोग बोलते हैं यार बिजली बहुत महंगी हो गई, मैं कह रहा हूँ महंगाई हो गई है, तो मैंने एक दोस्त से कर गया, सुनो क्या, मैंने बोला बिजली का बिल आजकल बहुत ज्यादा है, मैंने बताया, कह रहा भाई इतना तो मेरी फैक्ट्री का आ रहा है, तो मैंने यार क्या चोरी हो रहा है, कह रहा यार चोरी हो रहा है, चेक करो। तो मैंने एक दिन अपने घर का वो बंद किया मेन स्विच, देखो फिर भी हमारा मीटर घूम रहा है, बिल्कुल एंजॉय कर पूरा घर बिजली, पूरा घर मीटर, मेन स्विच बंद किया हुआ मीटर घूम रहा है, मेरा भी मीटर घूम गया, मैंने कौन हो सकता है, मैं जरा बुलाया, अच्छा अब मैंने बुलाया इलेक्ट्रिशियन को, अब वो देख रहा है, कह रहा है दानिश भाई चोरी तो हो रहा है लेकिन कौन कर रहा है, बिल्डिंग थी। तो मैंने कौन, एकदम फ्लैशबैक लगा, एक अंकल जो है ना रात को बैटरी चेंज कर रहे हैं ना, तो मैंने सर ये क्या कर रहा है रात में, कह रहा है मेरी गाड़ी घर की बैटरी यूपीएस की बैटरी खराब हुई, मैं गाड़ी की बैटरी यूपीएस से चेंज करूंगा, यूपीएस बड़े टेक्निकल है ये। फिर दूसरा फ्लैशबैक लगा, घर में कोई नहीं है, एसी चल रहा है अंकल का ना, तो वो आ रहे हैं, तो मैंने आप तो घर में ताला लगा हुआ था? हाँ, घर में कोई नहीं है, मैंने एसी चल रहा है आपका? कह रही हाँ, मेरी बेगम आती ना, कमरा ठंडा चाहिए ऑफिस से, तो उनको कमरा ठंडा में रखता हूँ। ये दो फ्लैशबैक लगे, मैंने लग रही है मैंने यार ये वाला मीटर चेक करो, तो उन्होंने चेक किया था, वही चोरी हो रहा था। अंकल चोरी कर रहे थे, और कैसे कर रहे थे, गजब तरीके से, बिल्डिंग में मीटर एक साथ ही लगे होते हैं सबके, उन्होंने दीवार यानी कि अपने दीवार पे वो करके मेरे मीटर की तार पकड़ के अंदर ले आए और उसको प्लास्टर कर दिया। अब ये जो है, ये तो मुझे भी नहीं पता था किस्सा, नहीं पता था टेक्निकली। आपके साथ कभी मोबाइल मोबाइल कुछ ऐसा चोरी हुआ है? मैं जब कराची आया था मेरे 3 मोबाइल चोरी हुए एक साथ, गन पॉइंट। नहीं, एक साथ क्यों होंगे यार, एक साथ क्या है, मोबाइल मार्केट में जॉब करता है क्या? मैं वही कह रही हूँ, एक साथ हमारे एक दोस्त है, उसके पास एक मोबाइल था, वो था जो क्या कस्टम पेंट होता है, नॉन पीटीए था, तो वो उससे नॉन पीटीए वाला वापस दे गए, दूसरा वाला ले गए। अच्छा, ये नहीं चाहिए, फायदा ना, काम का नहीं हो रहा, बिकता नहीं होगा ना, बड़े यार ईमानदार, ट्रेस अलग हो जाता है। अच्छा यार, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया, मैंने शुक्र है अप्रूव नहीं कराया। नहीं यार, ये कह रही तो बड़ा अच्छा आइडिया, क्या ऐसे आप चोरी भी कर सकते हैं, तो मैं भी अरे शुक्र अप्रूव नहीं कराया, इसका मतलब हम सब नॉन पीटीए के फोन यूज कर इस्तेमाल कर रहे हैं, पीटीए का चापा पड़ेगा। मैं सुबह आती हूँ मॉर्निंग शो से, ये रात का काम है। नहीं, थैंक यू यासिर, हमें सीरियसली आपने द टाइम निकाला और हम बहुत हंसे हैं यार, हम बहुत हंसे बाकी, और इसमें ये लगा कि अब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे घर पे और गपशप लगाएंगे। इनवाइट भी किया है और मैं आगे भी कहता हूं कि आप जरूर हमारे घर आएं। मुझे डर लग रहा है ऐसा, ऐसा ना शो में सिर्फ हम लोग ही हंस रहे हो, देखने वाला कह रहा है क्यों हंस रहे हैं। नहीं नहीं, खैर लोगों में लोगों ने एंजॉय किया होगा, नहीं वरना फिर यासिर और मैं भी कहीं क्या पता हम लोग नाम ले दें आपका, यू नेवर नो, तो गंदी बातें नहीं करें। भाई डर गया वो, डर नहीं वो और बोल रहा था कि लिखे वो हिट होने के लिए, ये तो थर थर कांप रहा है, ये अपनी अम्मी को कह रहा, अम्मी की गलती तो नहीं करती। आपकी कंपनी बड़ी मजेदार होती है हमेशा। आपको मजा आया नहीं आया, लेकिन हमें तो बहुत आया, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होती है। अब हम देखेंगे ये इंटरव्यू आपका था क्या, आपका था या आपका था, अब देखना ये पड़ेगा।
किसका इंटरव्यू था ये? इंटरव्यू तो नहीं था, हमने बीच-बीच में अपनी बातें की। लेकिन आप लोगों ने रोमांस किया ना आज, ये आखर था उसका पैसा। हां उनका एक अलग है। मैंने कहा चलो कुछ तो करूं। अब मुझे लग रहा है कि भाभी को अच्छा लग गया थी, तो हर शो में यही होगा, मैं यही रहता हूं। यही हो रहा होगा। थैंक यू जी, हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नाशु आप भी बोल दो, यासर भी बोल दो। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें, जो भी जितने भी आप अपने जानने वालों की व्हाट्सएप ग्रुप है ना, काम का की खबरें और डॉलर के रेट। बेल आइकन दबाना मत, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, टिंग करके दबाना। चलें जी, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बाय बाय। Oh,